सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि इस समय हमारे चैनल पर क्वेश्चन आंसर श्रृंखला प्रारंभ किया गया है, उसी की नेक्स्ट कड़ी आज हम लोग देखेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि हम लोग इसके अंतर्गत सारगर्भित प्रश्न लेंगे और ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जिससे हमारा समझ तो विकसित हो ही, साथ में जो सब्जेक्ट के प्रति हमारा नयापन है, नयापन को तो समझ रहे हैं कि पढ़ते समय लगता ही नहीं कभी हमने पढ़ा है, या लगता ही नहीं है कि कभी हमने किताब खोला है, तो ये नयापन है या बहुत चीजें आप नहीं जानते हैं। तो विषय का देखिए, जब भी आप कोई विषय पढ़ते हैं तो बहुत जरूरी है कि विषय का नयापन दूर हो, क्योंकि नयापन जितना ही बना रहेगा आपको विषय पहाड़ लगेगा। तो अगर किसी विषय में आप पारंगत होना चाहते हैं तो उसका नयापन दूर होना बहुत जरूरी है। आप उसको बार बार अध्ययन करें, कई बार अध्ययन करें, और जब आप कई बार अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा अपना हो गया। तो नयापन बहुत दूर जरूरी है दूर होना। तो हमारा इस लेक्चर क्वेश्चन आंसर सीरीज का जो लेक्चर ही हम चला रहे हैं, इसमें ये उद्देश्य ही है कि विषय क्षेत्र का आपका समझ विकसित हो, विषय का नयापन भी दूर हो जाए, ठीक है। और एक तो आपको क्वेश्चन आंसर हल करने की आदत भी पड़ जाए, कुछ ही क्वेश्चन हो हल लेकिन विस्तार से हो, यही मेरा उद्देश्य है और यही हम यहां कर रहे हैं। तो आज हम लोग पहला प्रश्न जो ले रहे हैं वो है, भारत में एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ था, मतलब कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ था। अब निर्विरोध तो तभी होगा कि उसके विपक्ष में कोई उठे ना, केवल वही उठे और उसी को सीधे चुन लिया जाए कि भैया आप ही राष्ट्रपति हैं। तो इसका जो जवाब है वो है नीलम एन संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो 1977 से 82 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, उनको भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने का श्रेय प्राप्त है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है, यानी इनके विपक्ष में कोई, हालांकि देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के महानतम राष्ट्रपति थे लेकिन उनके विपक्ष में भी कोई उठा ही था, दो बार बने लेकिन निर्विरोध नहीं थे, हालांकि वो भारत के अजात शत्रु थे, होना चाहिए था उनका लेकिन नहीं हुआ। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी इससे पहले हार चुके थे, तो 1983 में उनके विरुद्ध कोई नहीं उठा था और यही कारण है कि उनका चुनाव जो है वो निर्विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो इसका उत्तर नीलम संजीव रेड्डी है। संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। संविधान संशोधन की शक्ति नहीं बोल रहा हूं मैं, संसद को संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है, इसको बहुत लोग जानते हैं 368, ये गलत बात है। आज हमारा आपसे प्रश्न यही है कि आप इस चीज को खोजें कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त होता है। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि अनुच्छेद 368 से ही संसद को संविधान संशोधन की शक्ति मिलती है, वो ये नहीं जानते हैं कि अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, न कि संसद को इससे संविधान संशोधन की शक्ति मिलती है। तो आप इसको ढूंढिए। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह अनुच्छेद 368 में वर्णित, इस प्रश्न का उत्तर यह है। लेकिन आपको ढूंढना है, आप कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताएं कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है, या संसद को किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है। यह एक बहुत बढ़िया और बहुत ही एक प्रकार से आप मान सकते हैं गंभीर प्रश्न है, बहुत गहन अध्ययन का प्रश्न है, एक बहुत गहन अध्ययन की मांग करता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को ढूंढें। मेरे प्रश्न कोई इस स्टाइल में नहीं है, क्विज टाइप के नहीं है, पहले ये आप जान लें,
ये कोई क्वेश्चन आंसर या कौन बनेगा करोड़पति का क्विज नहीं है कि क्वेश्चन ढूंढे उत्तर बताए। ये सारगर्भित प्रश्न है और ये आपके वैचारिक क्रांति में महत्व देंगे, आपके वैचारिक सोच को भी बदलने का काम करेंगे, क्योंकि इसके तहत मैं आपको बहुत सारी कथाएं बताऊंगा। ठीक है ना, पढ़ाई का जो नजरिया है वो बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। कथा इस शब्द में कि जैसे आप किसी अन्य चीज को सुनते हैं और आनंद लेते हैं, वैसे आप इसको सुने भी आनंद ले। ठीक है ना, तो सच्चे ज्ञान से आनंद ही आता है। ठीक है ना, ना कि वो कोई फिल्म में या अन्य में आने वाला आनंद नहीं है, ये सच्चा ज्ञान का, उसमें तो मजा आता है। हम लोग मजा नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ विशेष आनंद अपने पढ़ाई के प्रति जो गंभीर ज्ञान है उसमें आनंद लेंगे, जो वास्तव में विशेष ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में है, लेकिन संसद को संविधान संशोधन की शक्ति कहाँ मिलता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप ढूंढ के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तीसरा प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस नदी पर स्थित है। नंबर ए रावी, नंबर बी चिनाब, नंबर सी सतलज और नंबर डी झेलम। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष मौजूद हैं, आप इसको सोचें और हमें बताएं। देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना, ये इसका सबसे मूल तथ्य है और यह स्थित है पंजाब में सतलज नदी पर। पंजाब में सतलज नदी पर यह भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है, जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। दो चीज हो गया, तीसरा पंजाब हरियाणा और राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है, यानी इससे लाभान्वित जो तीन प्रमुख राज्य हैं, पंजाब हरियाणा और राजस्थान, ये संयुक्त परियोजना इन तीनों की है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, जो भाखड़ा और नांगल में जहां बांध बनाया गया, भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। क्लियर हो गया, ये एक प्रमुख तथ्य। आप सोचिए, एक प्रश्न से कितने प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। तो प्रश्न का उत्तर बता के अगर हम निकल जाए छुप कर, तो आप ज्ञान नहीं जान मिल पाएगा आपसे पूरा। और मेरा उद्देश्य है कि एक के माध्यम से आपको अनेक बताऊं। ठीक है, एक लेना तो मात्र एक बहाना है, एक प्रश्न बताना तो अनेक है, या आपको उसी माध्यम से अन्य चीजें समझाना, यह भी एक लक्ष्य है। प्रश्न आंसर तो हम एक 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 वीडियो में कम से कम 50-100 प्रश्न बना लेते, बहुत बड़ी बात नहीं है बना पाना। एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पांच आया, बहुत बड़ी बात नहीं है। उद्देश्य तो है आपको समझाना कि आप देखें कि प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उन प्रश्न के अंदर कई प्रश्न हैं, ये भी जानना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ये हम लेकर इसमें चल रहे हैं। चौथा प्रश्न है, दिन और रात कहां बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात, पृथ्वी पर दिन और रात कहां बराबर होते हैं। नंबर ए विषुवत रेखा, नंबर बी ध्रुवों पर
ध्रुवों पर विषुवत रेखा पर, पहला ऑप्शन है ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी प्राइम मेरिडियन पर, प्राइम मेरिडियन पर प्राइम मेरिडियन पर, और नंबर डी अंटार्कटिका पर। अब ये प्रश्न लिया क्यों गया ये भी आप समझे। देखिए दिन और रात एक संकल्पना है और एक सच्चाई है, लेकिन दिन और रात जनरली आप तो ये जानते कि 12-12 घंटे को, तो हर जगह ये बराबर नहीं है। पृथ्वी वक्राकार है तो सूर्य की किरणें हर जगह एक बराबर नहीं पड़ती, लेकिन एक जगह ऐसा है जहां सूर्य की किरणें एक बराबर पड़ती हैं, लंबवत परपेंडिकुलर, और वह जगह है विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, आधे भाग पर पड़ेंगी और आधे भाग पर नहीं पड़ेंगी। तो जहां आधे भाग पर पड़ेंगी वहां दिन होगा और जहां नहीं पड़ेंगी वहां रात होगा, इसलिए दिन और रात कहां बराबर होते हैं इक्वेटर पर। इक्वेटर पर दिन और रात क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो दिन और रात विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन। देखिए एक प्रश्न के अंदर कितने प्रश्न हैं आप इसको अंदाजा लगाएं। पांचवा डायनेमो द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। नंबर ए डायनेमो एक महत्वपूर्ण यंत्र है, वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, नंबर सी रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, नंबर डी वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। आप लोग अगर मान लीजिए बहुत स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है तो आप आवाज ही सुनकर ऑप्शन को देखें, क्वेश्चन का समझ विकसित करें। देखा देखी बहुत सुंदर में बहुत अच्छे में लिखना ये सब बहुत हो चुका है, ज्ञान का स्तर नहीं बढ़ा है, ज्ञान का स्तर बढ़ना बहुत जरूरी है। स्पीच काफी है, आप शब्द को सुने, प्रश्न को सुनने का समझने का प्रश्न करें। डायनेमो द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन डी वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। अब डायनेमो करता क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए आज जितना भी आप बिजली देख रहे हैं और बिजली के उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान या करीब सबसे बड़ा योगदान डायनेमो का ही है। डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है क्योंकि टर्बाइन चलती है मैकेनिकल एनर्जी से और टर्बाइन के अंदर उपस्थित डायनेमो ही यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है और हमें विद्युत की प्राप्ति होती है। एक प्रकार से आप इसको जनित्र यानी जनरेटर कह सकते हैं, जनरेटर है ही ये। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने में
जनरेटर का काम यही करता है, यही जनरेटर है ही, इसको जनरेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के कारण और बिजली की महत्वपूर्ण प्राप्ति के कारण डायनमो एक महत्वपूर्ण यंत्र साबित होता है, और आज के युग में तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि बिजली से ही सारे काम हो रहे हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? डायनमो। और यही कारण है कि आज के युग में मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण यंत्र भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नंबर सिक्स, रिकेट्स नामक रोग, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन के, किस विटामिन के कमी से होता है? रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नंबर ए विटामिन ए, नंबर बी विटामिन सी, नंबर सी विटामिन डी, और नंबर डी विटामिन ई। अब नंबरिंग एक तरीके से हो जा रहा है इसलिए आप थोड़ी सा इसको ध्यान दें, विटामिन ए विटामिन सी विटामिन डी और विटामिन ई मैदान में है, और आपको बताना है किसके कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो सबसे पहले रिकेट्स नामक रोग होता क्या है इसको समझिए। देखिए रिकेट्स एक सूखा रोग है, कहते हैं सुख रोगवा हो गया, तो सूखा रोग जो है वो रिकेट्स नामक रोग है, रिकेट्स को ही सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग में क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, चटकती हैं, जैसे आप लकड़ी तोड़ते हैं उसे चटक जाएंगी, इतनी कमजोर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो रिकेट्स नामक रोग जो है वो एक प्रकार से सूखा रोग है, जो हड्डियों की गड़बड़ी उसमें पैदा हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और यह किसके कमी से होता है, विटामिन डी, विटामिन डी के कमी के कारण जो है सूखा रोग होता है, जिसको जंतु वैज्ञानिक रूप में रिकेट्स नामक रोग के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए सातवां प्रश्न, सातवां, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था किस का स्वरूप क्या है? नंबर ए पूंजीवादी, नंबर बी समाजवादी, नंबर सी साम्यवादी और नंबर डी मिश्रित, मिक्स्ड। अब पहला प्रश्न तो यह होता कि इसका मतलब क्या हो रहा है। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में अभी तक की अर्थव्यवस्थाओं से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि दुनिया में अमेरिका जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थे जहां पूंजी का महत्व था, फिर रशिया जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था का था, बहुत हद तक चाइना जहां कम्युनिस्ट है। भारत ने दोनों इन लोगों को न अपनाकर इनका मिक्स स्वरूप अपना लिया, यानी कि यहां समाजवाद को भी लाया और पूंजीवाद को लाया, और मूलतः क्या स्थापना किया, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र की अस्तित्व तो हो ही, साथ में
निजी क्षेत्र का भी अस्तित्व यानी प्राइवेट का भी हो, सरकारी और प्राइवेट दोनों के सह अस्तित्व को स्वीकार करने वाली अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकार करने वाली अर्थव्यवस्था, जहां सार्वजनिक होता है वो समाजवादी, जहां निजी होता है वो पूंजीवादी हो गई। लेकिन भारत ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के अस्तित्व सह अस्तित्व को स्वीकार किया है। यही कारण है भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के आश्चर्यजनक अर्थव्यवस्थाओं में हो गई और उसका स्वरूप हो गया मिश्रित। ठीक है, तो इस प्रकार के ही हम समस्त प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न हम लोग लेंगे और प्रश्नों के सार्वगर्भिक आंसर को जानेंगे। नेक्स्ट सीरीज में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।